इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुसलमानों पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने फिर विवादास्पद बयान दिया है, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय में काफ़ी नाराजगी है। मंगलवार को गिरिराज सिंह ने भड़काऊ बयान दिया। एक मलयालम फिल्म का परोक्ष रूप से जिक्र करते हुए पैगंबर मोहम्मद साहब पर किसी में फिल्म बनाने की हिम्मत नहीं। इस तरह के भड़काऊ बयान के बाद मुस्लिम समुदाय में गिरिराज सिंह के खिलाफ काफी नाराजगी देखी जा रही है और मुस्लिम समाज गिरिराज सिंह के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहा है। मुंब्रा में सिया समुदाय समाज में नाराजगी दिखाते हुए मुंब्रा पुलिस के सीनियर इंस्पेक्टर मधुकर कट को मेमोरेंडम दिया और शिकायत दर्ज करने की मांग की है। अंजुमन ए गाजी अब्बास, अंजुमन ए सादात और सिया समुदाय कौसा मुंब्रा की तरफ से पुलिस को मेमोरेंडम दिया गया। साथ ही अयाज एहसान ने क्या कुछ कहा है, हम आपको सुनाते हैं। आज मुंब्रा पुलिस स्टेशन में हमारी सारे शिया जमात की तरफ से और तमाम मुस्लिम जमात की तरफ से एक हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया है मुंब्रा पुलिस स्टेशन को। गिरिराज सिंह जो एक्स एमपी है हिंदुस्तान के, बिहार से बेगूसराय से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन्होंने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी बेटी बीवी फातिमा जहरा सलवातुल्लाह अलैहा के ख़िलाफ़ गलत बयानी की, इसलिए उनके बयान की मजम्मत करते हुए हम अपना FIR और हमारा विरोध प्रशासन और पुलिस को दर्ज कराने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए, जिसमें तमाम तंजीम, तमाम अंजुमने, तमाम मुसलमानों के नुमाइंदे और हमारे जितने मौलाना उलेमा यहाँ पर शरीक हुए और उन्होंने अपना एहतजाज यहाँ सीनियर इंस्पेक्टर मधुकर करके सामने अपना प्रस्तुत किया और जाहिर किया कि इन पर किसी भी तरीके से FIR होनी चाहिए, क्योंकि ये तमाम मुसलमानों की भावनाओं से खिलवाड़ है, उनको हर्ट किया गया है। और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इस्लाम के सबसे बड़े रहनुमा हैं, उनके ख़िलाफ़ और उनकी बेटी के ख़िलाफ़ अगर कोई बोलता है तो वो इस्लाम के ख़िलाफ़ बोली हुई बात है। और इस्लाम के ख़िलाफ़ बोली हुई बात कोई भी मुसलमान, कोई भी शिया को कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। इसीलिए आज हमने सबसे पहले मुंब्रा कौसा की तरफ से पहल करके हमने FIR की शक्ल में एक मेमोरेंडम मधुकर कर साहब को दिया है। अब हम देखते हैं कि प्रशासन और शासन इस पर क्या एक्शन लेती है। मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो है इस पर एक FIR की शक्ल में इस पे कार्रवाई होगी। जिस तरह से गिरिराज सिंह ने बयान से मुस्लिम समाज में नाराजगी देखी जा रही है, लोग अब अपना विरोध भी जता रहे हैं। आपको बता दें कि वामपंथी दल CPI के कन्हैया कुमार बेगूसराय से लोकसभा सीट पर गिरिराज सिंह के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। BJP प्रत्याशी गिरिराज सिंह ने 24 अप्रैल को GD कॉलेज में एक चुनावी सभा के दौरान भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, मगर अब धीरे धीरे विरोध के सुर भी उठ रहे हैं। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।